रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैष्णव सोनी। भारतीय सीमा में म्यांमार की तरफ से की गई बमबारी की खबर जब से सुर्खियों में आई है तब से हर ओर इस स्ट्राइक के चर्चे ही चर्चे सुनने और देखने को मिल रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें सर्जिकल स्ट्राइक के दावे के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिस पर लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, जिसके चलते भारत म्यांमार के अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। वहीं आशंका भी चलाई जा रही है कि क्या भारत पर म्यांमार ने सच में एयर स्ट्राइक की थी। खैर, इन सारे सवालों पर म्यांमार द्वारा किए गए हमलों पर अब सेना का भी जवाब सामने आया है। क्या है भारतीय सेना का जवाब, इसे जानने से पहले ये भी जान लीजिए कि आखिर क्या है पूरा विवाद और क्या है इस एयर स्ट्राइक की पूरी कहानी। दरअसल भारत म्यांमार सीमा के साथ भारत के चार राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा लगती है। वहीं जब म्यांमार की तरफ से 12 जनवरी को कथित एयर स्ट्राइक की गई तो इससे मिजोरम के साथ साथ उन राज्यों में भी हड़कंप मच गया जो भारत म्यांमार सीमा पर है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एयर स्ट्राइक की खबर आई कहां से। तो आपको बता दें, दरअसल ब्रिटेन के एक न्यूज़पेपर जिसका नाम है द गार्जियन, उसके सूत्रों के हवालों से ये दावा किया गया कि छोटे से देश म्यांमार ने भारत जैसे देश पर एयर स्ट्राइक कर दी है। द गार्जियन ने लिखा, दो बम भारत की सीमा में गिरे हैं लेकिन इस हमले में किसी के घायल होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। इलाके के लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। वहीं द गार्जियन की रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि मंगलवार की दोपहर म्यांमार की सेना ने अपने चीन राज्य में कैंप विक्टोरिया पर बमबारी की थी और इस खबर की पुष्टि एक विद्रोही कमांडर ने गार्जियन से की है। बता दें, कैंप विक्टोरिया एक जातीय सशस्त्र समूह है जो चीन नेशनल आर्मी यानी CNA के तौर पर काम करता है। कैंप विक्टोरिया पीपुल्स डिफेंस फोर्स के बैनर के नीचे म्यांमार में लोकतंत्र को बहाल करने के लिए अन्य विद्रोही समूहों के साथ म्यांमार की सेना के साथ संघर्ष कर रहा है। वहीं इसका प्रशिक्षण शिविर मिजोरम की सीमा से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर स्थित है। लेकिन अब इस पर पूरे विवाद पर असम राइफल्स का भी बयान सामने आया है और उनका ये बयान तब सामने आया है जब स्थानीय लोगों ने भी दावा किया है कि हमले के दौरान मिजोरम के चंफाई जिले में एक बम गिराया गया था, जिस पर चंफाई के उपायुक्त जेम्स लालरिंचे ने कहा है कि मैंने कुछ स्थानीय लोगों की ओर से किए जा रहे दावों की पुष्टि के लिए संबंधित क्षेत्र के मजिस्ट्रेट को भेजा है। मामले में आधिकारिक रिपोर्ट जल्द आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि वेरीफाई होने के बाद एक विस्तृत रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी। हालांकि एक बम मिजोरम की तरफ तियाउ नदी के पास गिरा था। इस विस्फोट में गांव के एक सदस्य का एक ट्रक क्षतिग्रस्त हुआ है। बहरहाल, इस बम धमाके से किसी के हताहत होने की तो कोई खबर सामने नहीं आई है, लेकिन अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर ये हमला क्यों किया गया। तो आपको बता दें, म्यांमार में इस वक्त जुंटा का शासन है जिसने मंगलवार यानी 10 जनवरी को पड़ोसी देश के सबसे शक्तिशाली जातीय विद्रोही समूहों में से एक चीन नेशनल आर्मी यानी कि CNA के सैन्य मुख्यालय कैंप विक्टोरिया पर कथित तौर पर हवाई हमले किए थे, जिस पर मिजोरम में CNA के एक नेता ने नाम उजागर नहीं करने के अनुरोध पर मीडिया को बताया कि हमले में दो महिलाओं सहित 5 लोगों की मौत हो गई है और 15 अन्य लोग घायल हो गए हैं। हालांकि चंफाई के उपायुक्त का कहना ये भी है कि प्रशासन को मिली प्रारंभिक रिपोर्ट से पता चलता है कि 8 विस्फोट पड़ोसी देश में हुए हैं। उन्होंने कहा, हमें किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली है और यह हमारी चिंता का विषय नहीं है क्योंकि यह किसी दूसरे देश का आंतरिक मामला है। वहीं दूसरी ओर आपको बता देता, इंडियन आर्मी ने इस एयर स्ट्राइक से साफ इनकार किया है। उनका कहना है कि म्यांमार द्वारा की गई एयर स्ट्राइक का कोई विस्फोट भारतीय सीमा में नहीं हुआ है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम इस तरह की खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।